ओके सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो आज से मतलब उस दिन से लगभग 4 से 5 महीने के बाद ही आ रही है, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। बट हम उधर नहीं जाते, अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल से पता लगा लिया होगा, आज हम करने वाले हैं चैलेंज 1 मिनट वर्सेस 10 मिनट वर्सेस 1 आवर का। और मैंने ड्राइंग अब तक सिलेक्ट नहीं किया, बट मैं एक ड्राइंग सिलेक्ट करूँगा, उसी को मैं तीनों टाइमलाइंस में बनाऊँगा। तो अब बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो ये है ड्राइंग जो कि मैंने सेलेक्ट किया है। ये लाइक एक स्केलेटन टाइप का है, तरबूज क्या कहते हैं उसको, एक फल है उससे आया है। सो इसी को हम ड्रॉ करेंगे। ये है 1 मिनट का चैलेंज, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। और टाइम बहुत कम है, ड्रॉ करते करते मुझे बहुत डर भी लग रहा था। इस समय मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कैसे होगा इतनी जल्दी जल्दी। और टाइम लिमिट बहुत कम थी, मुझे पता नहीं था कि इतने टाइम में इसको मैनेज करके अच्छे से कैसे करें। जितना हो पाया मैंने अपना बेस्ट दिया है इसमें। शेडिंग में नहीं कर पाया उतनी अच्छे से, हाँ, बट आउटलाइन में एक रफ स्केच तो हो ही गया था। अभी लगभग 19 सेकेंड 16 17 टाइम अब पहुँच चुका है 15 सेकेंड्स पे। और मैं तेज़ी से बनाते हुए, ये इस समय वीडियो फास्ट नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए फास्ट हुई थी, ये रियल टाइम चल रहा है। नोज़ बना रहा हूँ। वैसे पर्सनली मुझे ये बहुत गंदी लग रही है जो कि मैंने बनाई, टाइम ओवर हो चुका है। और ओके सो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है, पर्सनली बहुत गंदी लग रही है मुझे और उतनी अच्छी नहीं है। अब देखते हैं कि 10 मिनट और 1 आवर वाली ड्राइंग कैसी बनती है। होपफुली 1 आवर वाली तो अच्छी बननी चाहिए, देखते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ जो कि है 10 मिनट वाली। सो अब हम आ चुके हैं 10 मिनट वाली ड्राइंग पे। ये है टाइमर, मैं इसको स्टार्ट कर चुका हूँ। और अब मैं जुट चुका हूँ पूरी तरीके से शिद्दत से उस ड्राइंग को बनाने में 10 मिनट्स के अंदर। हाँ, जब मैं ये ड्राइंग बनाया था मुझे उतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो, मतलब जितना मुझे पिछली मतलब 1 ड्राइंग वाले में वो डर अंदर से था, इसमें उतना डर नहीं था शायद से, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस हो गया था, थोड़ा सा टाइम मैनेजिंग आ गया था कि कैसे पहले क्या चीज़ करनी है फिर क्या करना है, मे बी। और इस समय कर रहा हूँ वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि 10 मिनट हैं, 10 मिनट तक आप कहाँ ही सुनेंगे ये। तो अब 30 सेकेंड्स पे आ चुके हैं, जितना तेज़ हो सकता है मैं उतना तेज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ। और देखते हैं कि मैं कितना अच्छा बना पाता हूँ। वैसे तो अभी जैसे दिख रहा है मोस्टली वैसे ही होने वाला है और होपफुली अच्छा रहे। लेट्स सी। अच्छा अभी मैं पूरे में बेस दे रहा हूँ। ओ ये 3 2 1 गो हो गया पूरा। और यहीं पे मेरी ड्राइंग स्टॉप हो चुकी है, कुछ ऐसी लग रही है फाइनल पार्ट। तो अब चलते हैं हम अपनी 1 आवर वाली ड्राइंग पे। आपने 1 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, अब हम देखेंगे 1 आवर वाली ड्राइंग वो कैसी बनती है आखिर। अच्छी बनेगी, बुरी बनेगी, ठीक ठाक बनेगी या फिर कैसी बनेगी, तो वो आपको पता चलेगा वीडियो के आगे। तो बढ़ते हैं।
तो अब हम आ चुके हैं हमारी 1 आवर वाली ड्राइंग पे, जो कि सबसे टफ चैलेंज था, सबसे टफ नहीं मतलब सबसे ज़्यादा टाइम वाला चैलेंज। ये साइड में मैंने 1 आवर का टाइम सेट कर लिया। अब देखते हैं हमारी ड्राइंग कैसी रहती है एंड में। और चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं इन 3, 2 एंड 1। तो मैं टाइम स्टार्ट कर चुका हूँ और ये एक बार दिखा दूँ 59 सेकेंड से। अब ये है हमारी ड्राइंग, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। तो अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ रफ स्केच से, एक रफ आउटलाइन से, मतलब शेप्स से बना रहा हूँ थोड़ा बहुत आउटलाइन, और उसके बाद हम फिर डिटेल में जाएंगे। तो अब थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। अब मैंने शेडिंग स्टार्ट कर दी है, थोड़ी सी मतलब हाईर ग्रेड की पेंसिल से स्टार्ट किया क्योंकि टाइम कम लगे, क्योंकि इसमें अब मुझे क्या करना है कि कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट लाना है, इसलिए मैं लेयरिंग भी कम करूँगा, कम से कम लेयरिंग में सबसे बेस्ट आउटपुट लाने की मैं कोशिश करूँगा। और बीच बीच में आपको वीडियो फास्ट मिल सकती है और कहीं कहीं पर वीडियो मैं थोड़ी सी कट भी कर दूँगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जो पोर्शन मैं अब तक कवर कर चुका था वो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लेके कर लिया था, और उसके बाद फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, बस 20 मिनट्स बचे थे और उसमें फिर मुझे बाकी का 60% एरिया कवर करना था। तो फिर उसके बाद मैंने जो स्पीड से किया है वो मैं यहाँ उतना डिटेल नहीं दे पाया, बट हाँ वो लुक वाइज अच्छा लग रहा था जितना भी बना है। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। अब तक तो आपको जैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लगभग 6 से 7 मिनट ही बचे थे, जो अब मैं जिस स्पीड से कर रहा था ना वो मेरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड थी, बहुत तेज़ मैंने किया है इसको। और हड़बड़ी में भी थोड़ा बहुत किया कि क्योंकि तक कम टाइम था, इतना ज़्यादा पोर्शन बचा था, शेडो वाला पार्ट बचा था, थोड़ी बहुत डिटेलिंग बची थी, हाईलाइट्स बचे थे। अब बचे थे 5 मिनट्स और इसमें मुझे शेडो भी करना था, थोड़े बहुत हाईलाइट्स भी करने थे, बट इस समय मुझे थोड़ा बहुत लगने लगा था कि हाँ हो जाएगा। तो शेडो मैंने स्टार्ट किया, शेडो के लिए मैंने मतलब पेपर स्टम्प को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था, मैंने जहाँ से लाइक मैंने जल्दी जल्दी किया है वहाँ से मैंने पेपर स्टम्प भी अप्लाई किया डायरेक्टली ताकि चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो जाए। सो अब बचे थे सिर्फ 20 सेकेंड्स और मैं जितना ज़्यादा फिनिशिंग्स हो पा रही थी मैं सिर्फ फिनिशिंग्स पर अभी ध्यान दे रहा था, और मुझसे जितना जल्दी हो पाया मैंने उतना किया, बट इन लास्ट सेकंड से मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा मेजॉरिटी ऑफ वर्क हो चुका था, बस मैं थोड़ी सी डिटेल पे फोकस कर रहा था। तो अब फाइनल काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1 गो। सो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है,
ड्राइंग देख ली होगी आप सबने, तो सिनेमैटिक नहीं देखे होंगे तो पहले सिनेमैटिक देख लो फिर बात करते हैं। सो खास ड्राइंग नहीं है जो कि मैं इसका आपको बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक दिखाऊं। अब बढ़ते हैं 10 मिनट वाली ड्राइंग पे। तो अब चलते हैं 1 आवर वाली ड्राइंग पे, उसका सिनेमैटिक थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि वो थोड़ी अच्छी ड्राइंग है। तो डन सिनेमैटिक देख के, अब बात कर लेते हैं थोड़ी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 1 मिनट वाली ड्राइंग थी और जो 10 मिनट वाली ड्राइंग थी वो मैंने आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले बनाई थी। उसके बाद मुझे उतना टाइम नहीं मिला या फिर मैं थोड़ी सी दूसरी ड्राइंग्स में चला गया था, और फिर उसके बाद जो 1 आवर वाली वो मैंने आज ही बनाई है। तो बात करते हैं 1 मिनट वाली ड्राइंग में। 1 मिनट वाली ड्राइंग जब मैं कर रहा था इतनी ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही थी ना कि इतनी जल्दी कैसे होगा, थोड़ा सा डिटेल भी डालनी है उसमें, शेडिंग भी करनी है, बट मैंने फोकस किया ड्राइंग की आउटलाइन पे। सिर्फ आउटलाइन बनाई, आपको साइड में मैज दिख रही होगी। फिर आते हैं 10 मिनट्स वाली ड्राइंग पे। वैसे तो 10 मिनट वाली ड्राइंग में मैं थोड़ा बहुत शेडिंग का ट्राई किया था, शेडिंग करने का उतना टाइम का कमी नहीं लगी बिकॉज मैं 1 मिनट वाली ड्राइंग करके अवेयर हो गया था कि मुझे कितनी फास्ट करना है, तो उतना ज़्यादा मुझे टाइम की प्रॉब्लम नहीं लगी। मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया और शेडिंग भी उसमें जितनी हो पाई थी मैंने कर ली, और फिर टाइम ओवर हो गया। जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। पर्सनली मुझे 10 मिनट वाली बहुत अच्छी लगी है। नहीं आज तुम आई जाओ, रोज रोज परेशान करते रहते हो। जल्दी बोल। अरे भाई, हेलो गाइज, तुम्हें पूछा था कैसे कर लेते हो। क्या कैसे करता हूँ इतनी गंदी ड्राइंग? जल्दी बोल वरना निकल, जो अगर कोई काम हो तो। जस्ट जोकिंग। तो गाइज आप इसके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो जो होता है सब कुछ करिए। बहुत मेहनत कर रही है इंसान, एक दिन ज़रूर आगे जाएगा। और मेरी दुआ तुम्हारे साथ है ब्रो, वरना निकलो जल्दी। मेरी वीडियो क्यों इतनी लंबी कर रहे हो तुम? ओके ब्रो, बाय बाय गाइज, बाय। हाँ मैं ही कह रहा था, बॉडी स्क्रब करता है, शायद से मैं उसकी क्लिप रखूँ भी ना इस वीडियो में, पहली बार दिखाऊंगा वीडियो पे शायद। हाँ तो अब से ये एक नया कैरेक्टर है जो कि वीडियो के बीच बीच में आता रहेगा। अब हम बात करते हैं मेन ड्राइंग के ऊपर जो कि है 1 आवर वाली। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो बहुत बुरी ड्राइंग थी, बहुत बेस्ट निकल के आया है। मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छी बनी है 1 आवर वाली अगर मैं कहूँ तो। इससे मुझे टाइम लिमिट की कमी नहीं लगी। हाँ बट स्टार्टिंग वाले पोर्शन जो मैं कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो मैंने एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, और फिर राइट हैंड साइड वाले के लिए मेरे पास टाइम कम बचा। मेरे पास रह गया था 20 मिनट और मेरा 50% तक कंप्लीट नहीं था। सब अच्छा था, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दरवाज़ा हल्का सा हवा से खुला, मुझे लगा वो फिर से आ रहा है। डर जाता हूँ जब भी वो आता है, डिस्टर्बेंस होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय। सच कहूँ तो मुझे तो 1 मिनट और 10 मिनट वाली ड्राइंग का याद नहीं है, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, रीटेक रीटेक। बाल 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 बाल, मैं पहले खुद देख लूँ उसको, दूर रखिए थोड़ा। ये है 10 मिनट वाली ड्राइंग।